ये तो पहले से घर से भाग गई, इसे कुछ फर्क पड़ता नहीं। और इन्होंने अपने पति किरण को जेल में भेज दिया, अब उसके घर मजे ले रही है। मेरा क्या होगा? सोचा है क्या करूंगा? दादा ये क्या बकवास कर रहे हो आप होश में तो हो ना। जस्ट शट अप। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। ले दे के मेरे पास भी इकलौता ये घर ही है। मैं पूरी जिंदगी उस हॉस्टल में नहीं रहूंगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद यहाँ रामटेक में वापस आऊंगा, खुद का क्लिनिक खोलूंगा। उस टाइम पे मुझे पैसे चाहिए होंगे। बढ़िया जब क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों मेरा फ्यूचर खराब कर रहे हो? क्यों बेच रहे हो इस घर को आप? दादा बंद करो अपनी बकवास, वरना मुझसे कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। अरे तू जा यार यहाँ से, तुझे क्या फर्क पड़ता है? बढ़िया जी आप ये सटाई भी बातें मत करो मेरे सामने। आप चाहे रोड पे रहो या स्टेशन पे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन एक बात, ये घर नहीं बिकेगा, किसी कीमत पे नहीं बिकेगा। तेरी इतनी हिम्मत! वही वो लड़की जिसकी पैरवी आप करी थी बोर्ड रूम में, आप जानती हैं वो लड़की कौन है? उसके वजह से हमारी इशू को कितनी तकलीफ हुई है। एक माँ बिन कहे अपने बच्चे की हर तकलीफ समझती है। आपको इतना भी समझ में नहीं आया? निशी क्या बोल रहे हो? कौन है वो लड़की? उस लड़की से इशू का क्या संबंध? क्या कह रहे हो? अच्छा एक मिनट दोनों चुप हो जाओ। एक मिनट मैं बता दो तुम्हें, यही बात करनी थी तुमसे। इससे पहले की बात और बिगड़ जाए महीने को समझा दीजिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वो लड़की रीवा थी, रीवा मराठे। ईशान को साखरपुड़ा के दिन यही लड़की छोड़ के चली गई थी। वो लड़की जिसके बच्चे से इशू? हाँ वही है। कैसे माँ बाप है आप दोनों? हाँ आपका बेटा इतनी मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है और आप दोनों को कुछ पता ही नहीं है। और आप वही नहीं, मुझे लगा था आप इसको सहारा देंगी, उसकी मदद करेंगी, लेकिन नहीं, आपने इशू के जख्मों पे नमक छिड़क दिया। नहीं निशी, हाँ यहाँ पे आके पहले इशू को तकलीफ दी। इतना ही नहीं, आप तो पूरी तैयारी कर रही है महीने की ये लड़की जिसने इशू को तकलीफ दी थी, जिसने इशू को धोखा दिया था, वो लड़की फिर से इशू की जिंदगी में आ जाए। क्यों महीने क्यों? मैं साहेब, अक्का साहेब, हमारा पूरा परिवार ये कोशिश कर रहा है कि इशू नॉर्मल हो जाए, कि उसे थोड़ी खुशी मिले, वो इस तकलीफ से बाहर आ जाए। लेकिन हमारा इशू ही बदकिस्मत है क्योंकि उसके खुद के माँ बाप उसकी तकलीफ बढ़ा रहे हैं, और खास करके और डॉक्टर ईशा भोसले जो उसे अपनी आई कहती है, लेकिन फिर उसी लड़की की पैरवी कर रही है जिसने इशू को धोखा दिया था, जिसकी वजह से हमारी इशू को तकलीफ हुई थी। आज है ना मुझे इशू की किस्मत पे रोना आ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे हमारे इशू के लिए, और दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही है कि भगवान किसी को भी आप जैसी आई ना दे। निशु